सनसनी ऑफ इंडिया। शालीमार बाग स्थित फोर्टिस अस्पताल से गुरुवार शाम ड्यूटी खत्म कर घर जा रही एक युवती से मोबाइल झपटने और उसे करीब 100 मीटर तक स्कूटी से घसीटने वाले दो स्कूटी सवार बदमाशों में से एक को उत्तर पश्चिम दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने 24 घंटे के अंदर दबोच लिया है। दूसरे आरोपी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। स्कूटी उसी दिन थाना रूपनगर से इन्होंने चोरी की थी। आरोपी की पहचान मॉडल टाउन निवासी 21 वर्षीय विपिन एलियस विनीत के रूप में हुई है। दिनांक 16 दिसंबर 2021 को थाना शालीमार बाग में शाम करीब 6:40 पर एक महिला से मोबाइल फोन छीनने की पीसीआर कॉल आई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने देखा कि मोबाइल झपटमारों ने पीड़िता को स्कूटी के साथ घसीटा था, जिससे पीड़िता के घुटनों में चोट आई है। पुलिस टीम तुरंत ही पीड़िता को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर गई। पीड़िता के बयान पर वारदात स्थल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि शाम करीब 5:30 पीड़िता ड्यूटी से घर जा रही थी। जब पीड़िता फोर्टिस अस्पताल के पास लाल बत्ती पर पहुंची, तभी दो लड़के अचानक एक स्कूटी पर आए और युवती का मोबाइल फोन झपट लिया। युवती ने बदमाशों का पीछा किया और उसने बदमाशों की स्कूटी को पकड़ते हुए एक बदमाश की जैकेट को कसकर पकड़ लिया। पकड़े जाने के डर से बदमाशों ने स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी और युवती करीब 100 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गई। हाथ छूट जाने से युवती गिर गई और बदमाश फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज और पीड़िता के बयान पर थाना शालीमार बाग में दिनांक 16 दिसंबर 2021 को ही एफआईआर संख्या 1075/21 अंडर सेक्शन 392/34 में दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। स्नैचिंग की बेहद हैरतअंगेज वारदात को गंभीरता से लेते हुए उषा रंगनानी डीसीपी उत्तर पश्चिम जिला ने तुरंत ही वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए सतीश कुमार एसीपी ऑपरेशन और स्वदेश प्रकाश एसीपी शालीमार बाग की सुपरविजन में 4 टीमों का गठन किया। जांच टीमों ने वारदात स्थल के आसपास लगे सैकड़ों सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला। टेक्निकल सर्वेलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से मुखबिरों का जाल बिछाया। मुखबिरों से मिले इनपुट्स के आधार पर कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। लगातार छापेमारी और कड़ी मेहनत से आखिरकार इंस्पेक्टर अमित कुमार के नेतृत्व में काम कर रही स्पेशल स्टाफ उत्तर पश्चिम जिला की टीम को सफलता हाथ लग ही गई। सीसीटीवी फुटेज और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन की मदद से स्पेशल स्टाफ टीम ने वारदात को अंजाम देने वाले शातिर क्रिमिनल राजपुरा गुरमंडी मॉडल टाउन निवासी 21 वर्षीय विपिन एलियस वनीट पुत्र धर्मपाल को स्कूटी के साथ दबोच लिया। इंटेरोगेशन में गिरफ्तार आरोपी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल ग्रे और ब्लैक रंग की होंडा स्कूटी नंबर DL3SCQ3332 को रिकवर्ड कर लिया गया। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि वारदात में इस्तेमाल स्कूटी चोरी की थी। स्कूटी मालिक ने दिनांक 16 दिसंबर 2021 को थाना रूपनगर में EFIR संख्या 0362421 के तहत चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। आरोपी ने इंटेरोगेशन में बताया कि कमला नगर एरिया से स्कूटी चुराकर वे स्नैचिंग करने के इरादे से इलाके में घूम रहे थे। जब वे शालीमार बाग पहुंचे तो उन्होंने फोर्टिस अस्पताल शालीमार बाग की रेड लाइट के पास इंतजार कर रही पीड़िता का मोबाइल फोन छीन लिया। पुलिस टीम ने जांच में पाया कि आरोपी ड्रग एडिक्ट और एक्टिव शातिर रॉबर है। इसके खिलाफ थाना मॉडल टाउन में पहले से ही एफआईआर संख्या 428/21 अंडर सेक्शन 33 दिल्ली एक्साइज एक्ट में एक मामला दर्ज है। उषा रंगनानी डीसीपी उत्तर पश्चिम जिला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के दूसरे साथी की भी पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए और प्रयास किए जा रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।